गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग गीतावली पढ़ेंगे जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है। आइए देखते हैं। जो पै हो माँ तू मते मह हवायो, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा देहो। क्यों हो आज होत सुचि सपत्नी, कौन मानी है साची। महिमा मगी कौन सुकति की, खल बच बसीखन बाची। गहि न जात रसना काहू की, कहो जाहि जोई सूझे। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिन कौन हिये की बूझे। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारि नर भारी। भरत इसने सुधा सींचे सब भय तही समय सुखारी। देखिए बच्चों, ये तुलसीदास द्वारा रचित पद है जिसको गीतावली से लिया गया है। ये उस समय का प्रसंग है जब भरत ननिहाल से लौट रहे हैं। लौटते हैं तो उनको दशरथ के मरने और राम के वन जाने का जब समाचार मिलता है, तो उनको जब यह पता चलता है सब घटना के कई द्वारा भरत के लिए राज्य मांगने के कारण हुआ है, तब भरत जो है आत्मग्लानि से भर उठते हैं और उस आत्मग्लानि को ही इस पद में व्यक्त किया गया है। भरत की आत्मग्लानि को ही इस पद में व्यक्त किया गया है। मातु महे मतलब यहाँ पर है, मातु मते महे मतलब माता कैकेयी के मत से सहमत, सुचि मतलब है पवित्र। तो यहाँ पर भरत जो है कह रहे हैं माता कौशल्या से कह रहे हैं कि हे माँ कौशल्या, यदि मैं तनिक भी अपनी माता कैकेयी के मत से सहमत होऊंगा तो पहले तो उनके मत से मैं सहभागी रहा हूंगा, तो भला मैं अपने मुख की कालिमा कहाँ धो सकूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भरत अपनी माँ कौशल्या से कहते हैं कि यदि मैं अपनी माँ के मत से, यानी माँ कौन कैकेयी के मत से सहमत होऊंगा, तो पहले मैं उसके मत का सहभागी तो रहा हूंगा, तो मैं जो ही मेरे ऊपर कालिमा लग गई है, मेरे चेहरे पे जो कालिमा लग गई है, तो मैं कालिमा को कहाँ धो सकूंगा। इसी बड़ी कलंक की बात मेरे लिए क्या होगी। ठीक है, इससे बड़ी काली मतलब कलंक की बात मेरे लिए क्या होगी। क्यों हूँ आज होत सुच सपत्नी, कौन मानी है साची। आगे वो बोल रहे हैं कि हे माता, मैं कितनी भी सफाई दूं, कितनी भी बात को स्पष्ट कहूं, लेकिन मेरे मत को कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं सौगंध खा खा कर भी भला आज मैं कैसे पवित्र हो सकूंगा। यहाँ पर भरत का यहाँ आत्मग्लानि बताई जा रही है कि आत्मग्लानि से वो इतने डूबे हुए हैं, राम के वन गमन के जाने से इतने शोक में डूबे हुए हैं कि वो बता रहे हैं कि अगर मैं चाहूं तो ये अपने चेहरे पर लगी हुई जो कालिमा है, कलंक है, उसको मैं कैसे धो सकता हूँ, और मैं कितनी भी सफाई दूं इसका कोई भी विश्वास नहीं करेगा, चाहे जितनी मैं सौगंध खा खा कर मैं अपने आप को कैसे पवित्र करूं। मेरी सौगंध को ही सत्य कौन मानेगा। सभी लोग ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि महिमा मृगी कौन सुकति खल बच बसीखन खांची। सभी लोग क्या कहेंगे कि भरत ने अपनी माँ से मिलकर कोई षड्यंत्र रचा होगा। दुष्टों के वचन रूपी बाणों से किस पुण्यवान के पुण्य से महिमा रूपी हिरणी बच पाई है। यहाँ पर भरत जी कह रहे हैं कि दुष्टों के वचन रूपी वाणों से किस पुण्यवान के पुण्य से महिमा रूपी हिरणी बच पाई है। दुष्ट लोग तो पुण्यात्मा में भी पाप को ढूंढते हैं। ठीक है, वे भला मेरी सफाई को सच क्यों मानेंगे। भरत जी कह रहे हैं कि हमें कितनी भी सफाई दूं, लेकिन जो दुष्ट आत्मा के लोग हैं वो इस चीज को सत्य नहीं मानेंगे। चाहे मैं जितनी भी सफाई दूं, ठीक है, किसी की जीभ नहीं पकड़ी जा सकती। यहाँ रसना का मतलब है जीभ से है। ठीक है, रसना का मतलब यहाँ पर जीभ से है। तो वो कह रहे हैं कि कितनी भी मैं कारुण्य सिंधु मतलब करुणा के सागर, कितनी मैं किसी की जीभ नहीं पकड़ी जा सकती, जो उसे दिखाई दे, जो जिसे ठीक लगे वो खूब कहे, लेकिन मेरे हृदय में जो वास्तविकता है क्या है। दीन बंधु करुणा के सागर, मेरे परम पूज्य जो है भ्राता कौन, श्री राम के बिना और
कोई नहीं समझ सकता। वो बता रहे हैं कि ये जो कार्य हुआ है, राम वनगमन का जो कार्य हुआ है, मैं इस कार्य में बिल्कुल भी किंचित भी सहभागी नहीं हूँ। मेरे ऊपर जो कालिमा लग गई है, कलंक लग गया, तो मैं उसको किस प्रकार धो, चाहे जितनी भी सफाई दे लूं, लेकिन वो हम अपनी बात को मैं स्पष्ट नहीं कर सकता। लेकिन मेरी बात को जो दीन बंधु दीनानाथ सागर, करुणा के सागर, जो मेरे बड़े भाई है, मेरे पूज्य भाई राम है, वो मेरी वास्तविकता को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है, तुलसी राम वियोग विषम विकल नारी नर भारी, भरत स्नेह सुधा सींचे सब गए सब भय तेई समय सुखारी। तो आगे बोल रहे हैं तुलसीदास जी, कहते हैं कि उस समय अयोध्या के समस्त स्त्री पुरुष जो राम के वियोग रूपी भयंकर विष की पीड़ा से व्याकुल थे, भरत के ऐसे वचन सुनकर स्नेहमय अमृत से सिंचित हो उठे, उनकी व्यथा दूर हो गई, सब सुखी हो गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब ये बात जो है, भरत जो है, ये बात जो है कहते हैं कि मेरी ये वास्तविकता ये है कि मेरी बात जो है सिर्फ रामचंद्र जी समझ सकते हैं, मैं इसमें किसी प्रकार का दोषी नहीं हूँ। तो जो अयोध्या की जो प्रजा होती है, वो जब भरत के ऐसे वचन सुनती है, वियोग रूपी विष से जो भयंकर रूप से व्याकुल है भरत, तो ऐसे स्नेह में अमृत से जो है सुनकर जो वहां की प्रजा होती है वो काफी सुखी हो जाती है भरत के ऐसे वचन को सुनकर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। मेरे सब पुरुषार्थ ठाको विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको, सुन सुग्रीव साचे हूँ मुँह पर फेरो बदन विधाता, सुन सुग्रीव साचे हूँ मुँह पर फेरो बदन विधाता। ऐसे समय समर संकट होत जो लखन सो भ्राता, गिरि कानन जह शाखा मृग हो पुनि अनुज संघाती, हमें कहाँ विभीषण की गति रही सोच भरी छाती। तुलसी सुनी प्रभु वचन भालु कपि सकल विकल ही हारे, जामवंत हनुमंत बोली सब जामवंत हनुमंत बोली तब आसर जानी प्रचारे। अब इसमें जो है ये पद है, इसमें उस समय का वर्णन है, राम के विलाप का वर्णन है, जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है, तो शक्ति लगने पर राम बहुत दुखित होते हैं, दुखी होते हैं, उस दुखी होने के समय का प्रसंग का वर्णन किया है। रामचंद्र जी विलाप करते हुए उपस्थित जनों के समक्ष क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा संपूर्ण पुरुषार्थ थक गया है। विपत्ति की बांटने वाला, विपत्ति को मुसीबत को बांटने वाला भाई रूपी भुजा लक्ष्मण के बिना मैं किसका विश्वास करूं। ठीक है, वे सुग्रीव से कह रहे हैं कि हे सुग्रीव सुनो, मैं सच कहता हूं कि विधाता ने मुझसे मुंह फेर लिया है, इसलिए इस विपरीत समय में जबकि युद्ध का संकट उपस्थित है, मैंने लक्ष्मण जैसे भाई को खो दिया है, अब क्या होगा। ठीक है, राम बहुत दुखी हैं, वो सुग्रीव से बोल रहे हैं कि मैं सच कहता हूँ कि विधाता ने मुंह फेर लिया है, इस विपरीत समय में यानी युद्ध के संकट की स्थिति में मैंने लक्ष्मण जैसे भाई को खो दिया, अब क्या होगा। सब वानर तो वनों और पर्वतों पर चले जाएंगे। ठीक है, जितने सखा मृग मतलब है वानर, वानर तो वनों और पर्वतों पर चले जाएंगे, मेरे अपने भाई का साथी बन जाऊंगा, अर्थात मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, यह सोचकर मेरी छाती भर आती है। अब उस समय विभीषण का क्या होगा जिसे मैंने राजा बनाने का वचन दिया है। ठीक है, तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के करुण वचनों को सुनकर सारे भालू और वानर हृदय से दुखी हो गए हैं, और जामवंत ने भी अवसर को पहचान कर हनुमान जी को बुलाया और उन्हें प्रेरित किया। ठीक, आगे देखते हैं। हृदय घाव मोरे, हृदय घाव मेरे पीरी पीर रघुबीरे, पाए सजीवन जाग कहतियो प्रेम पुलक बिसराए शरीरे, मोहि कहाँ बूझत पुनि पुनि जैसे पाठ अरक चर्चा की रे, शोभा सुख छति लाहु भूप कहे केवल कांति मोल हीरे। तुलसी सुनी सौमित्र वचन सब धनी न सकत धीरो धीरे, उपमा राम लखन की प्रीत की क्या क्यों
दीजे खीरे नीरे। अब बेटे जो ये पद है उसमें जो है हनुमान जी द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी के प्रयोग से जो है लक्ष्मण जो मूर्छित हो गए थे वो मूर्छित होके वो आ जाते हैं चेतन अवस्था में आते हैं। तब जो सब लोग उनकी पीड़ा और स्वास्थ्य के विषय में पूछते हैं तब जो है लक्ष्मण उत्तर देते हैं भावुकता के साथ। उसी समय के प्रसंग का वर्णन किया गया है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप लोग मुझसे मेरी पीड़ा के बारे में बार बार क्यों पूछ रहे हैं, मैं आपको क्या उत्तर दूं। सच तो यह है कि घाव मेरे शरीर पर लगा अवश्य था परंतु उसकी सारी पीड़ा तो प्रभु ने ही सहन की थी। ठीक है, लक्ष्मण जी बता रहे हैं संजीवनी की सेवन से मैं चेतन अवस्था को प्राप्त होकर पुलकित होकर मतलब प्रसन्न होकर अपने शरीर की सूट बुट को भूल कर ऐसा ही कह रहे हैं। कौन कह रहा है? लक्ष्मण। यदि कोई तोते से उसके द्वारा बोले जाते, यानी तोते को हम लोग कोई बात कहते हैं तो बार बार तो बात पढ़ने लगता है ना, तो वही बात कह रहे हैं कि यदि कोई तोते से इसके द्वारा बोले जाते वे पाठ पर चर्चा करें तो क्या वह उत्तर दे सकता है। अर्थ तो सिखना सिखाने वाला ही जानता है। बार बार उससे पूछना कि मैं कैसा हूं, मेरी पीड़ा कैसी है, तो ये इस विषय में तो सिर्फ रामचंद्र ही बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जैसे किसी तोते को कोई अर्थ कोई शब्द रटाया जाता है तो शब्द तो रट लेता लेकिन उसका अर्थ नहीं समझता है। तो मेरे शरीर पर जो घाव लगे हैं उस घाव के बारे में तो सिर्फ शिव रामचंद्र ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। हीरे से शोभा सुख लाभ हानि इत्यादि तो धारण करने वाला राजा को ही ज्ञात होता है। ठीक है, हीरे की जो शोभा होती है, सुख होता है, लाभ होती है, हानि होती है, उसे धारण करने वाला राजा ही जान सकता है। हीरा तो केवल कांति और मूल्य का ही पात्र होता है। ठीक है, हीरा तो केवल कांति और मूल्य का ही पात्र होता है। आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण के ऐसे अहंकार शून्य और राम प्रेम में पूर्ण वचनों को सुनकर जो वहां पर उपस्थित थे लोग बड़े धैर्यवानों का भी धैर्य टूट गया और वो कहते हैं कि राम और लक्ष्मण के भातृ प्रेम की तुलना दूध और पानी से करना भी कैसे उचित हो सकता है। ठीक है, वो यहाँ बता रहे हैं तुलसीदास जी कि राम और जो लक्ष्मण का भ्रातृ प्रेम है उसको दूध और पानी से भी करना कैसे उचित हो सकता है कि दूध और पानी भी हंस द्वारा अलग अलग सिद्ध किया जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उन्होंने आगे बता रहे हैं कि परंतु राम और लक्ष्मण के जो मनोभाव है एकता को जो है भ्रातृ प्रेम की भावना है वो अभेद्य है, उसको हम लोग नहीं सिद्ध कर सकते। ठीक है बच्चों।